आपका प्रश्न है एमएस वर्ल्ड किसका उदाहरण है, एमएस वर्ल्ड किसका उदाहरण है बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम कोड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है क्या कहलाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटर प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों बताओ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिबूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है POST का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों बताओ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, ये चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं तो बताओ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टर्मिनल। नेक्स्ट प्रश्न है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं तो बताओ दोस्तों, चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बस। नेक्स्ट प्रश्न है नियमों का एक सेट है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा, नियमों का एक सेट है तो बताओ दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेस। नेक्स्ट प्रश्न है LAN किसका लघु रूप है, अर्थात इसका पूरा नाम क्या है बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है तो बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट प्रश्न है वेब पेज का एक वर्ल्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है तो बताओ दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राज्य है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य, ठीक है सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, HTML का पूरा नाम क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जिसके द्वारा इंटरनेट चलाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।